अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू दिस, सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। आपको यहाँ पे 3 सेट्स दिए हुए, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक एडिशनल सेट नजर आ रहा होगा जिसे आप कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये जो यू है आपके पास, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर आपके पास तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल है, ये चीज आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है कि ये दोनों साइड्स जो है या इनके रिजल्ट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमेशा की तरह, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि कोई भी साइड जो है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड सबसे पहले ले लूंगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर इस सेट का इजाफा किया गया है सवाल में, यूनिवर्सल सेट का, तो क्यों किया गया है? सवाल को देखिए आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पर आपको ए यूनियन बी के ऊपर जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप इसे डैश या कॉम्प्लीमेंट रीड कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर आपको जो है वो ये कॉम्प्लीमेंट या ये डैश नजर आ रहा है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट की वजह से जो है वो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अब कैसे इसको आपने यूज करना है वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, आपके पास सेट ए और सेट बी मौजूद है, जबकि यहाँ पर आपके पास ए के ऊपर जो है ये कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपने फाइंड करना है ये कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट आप कैसे फाइंड करते हैं? जिस भी आपके पास वेरिएबल के ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट मौजूद होगा, आपने क्या करना है, उस वेरिएबल को यू में से माइनस करना है, ठीक है। जिस भी वेरिएबल के ऊपर होगा आपने क्या करना है, उस वेरिएबल को यू में से माइनस करना है। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट है आपका 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल, तो वो आप यहां पर लिख देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरीके से पूरा लिख सकते हैं ताकि आपको जो है वो दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड करने में आसानी हो। ये देखें, ये मैंने u माइनस ए लिखा, सबसे पहले ये u का सेट आ गया, बीच में आ गया आपके पास माइनस का साइन, एंड a है आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। जब आप दो साइड्स के दरमियान डिफरेंस फाइंड करते हैं या दो साइड्स को आप इस तरीके से माइनस कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो आप जो है वो पेंसिल की मदद से, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखें पेन से कर दिया, लेकिन आप जो है वो उसको पेंसिल से कीजिएगा ताकि मैसी ना हो। तो देखें, कैंसिलेशन के बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास, जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो आपने लिखने, ठीक है। अगर यहां पे एलिमेंट्स बच जाते तो वो हम नहीं लिखते इसमें, ठीक है। ये हमेशा मैं आपको चीज बताती हूं कि जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट बचेंगे वो आपका रिजल्ट होगा। अब देखें, जिस तरीके से आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो अब नाउ बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट आप यहां पर फाइंड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट है ये यू, तो दोबारा आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे। अब आप माइनस करेंगे इसमें से सेट बी के एलिमेंट को जो के हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10, अब देखिए यहां पर आपने जो है वो इवन नंबर्स को कैंसिल करना है, ठीक है, जो इस सेट में मौजूद थे। कैंसिल करने के बाद जो यहां पे एलिमेंट्स बच गए वो सारे मैंने यहां लिख दिए, तो ये आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट, ठीक है। अब फाइनली देखें, यहां पर राइट हैंड साइड में आपने क्या करना था, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये सवाल या ये साइड जो है वो पूरी आप यहां पर दोबारा कॉपी कर लेंगे। अब देखें, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखेंगे आप 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, जो आपने यहां फाइंड किया। उसके बाद है बीच में इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट लिखेंगे आप, ठीक है, इस तरीके से 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए, इंटरसेक्शन मींस
कि जो दोनों सेट्स के एलिमेंट कॉमन होंगे वो आप यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर एलिमेंट है आपके पास 7 एंड 9, ठीक है। ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सेट में, तो ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मैं इसे आगे लिख देती हूं। अब देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखें मैंने अभी आपसे कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट जिस भी चीज के ऊपर हो आपने क्या करना है, उस पूरी चीज को यू में से माइनस करना है। तो देखें यहां पर आप किस तरीके से इस चीज को लिखेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि अब की बार जो कॉम्प्लीमेंट है वो उस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो यू में से माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास यूनिवर्सल सेट सवाल में मौजूद है, बट आपके पास जो है वो ये ब्रैकेट मौजूद नहीं है ए यूनियन बी का, तो सबसे पहले जो है वो यहां पर आप ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले सेट ए की बात की जा रही है, तो सेट ए है आपके पास, मैं बुक से देख लूंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। बीच में यूनियन का साइन आ रहा है। देन आपके पास है सेट बी, तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 4 6 8 10। अब देखिए यहां पर आपने जो है वो इन दोनों सेट्स के दरमियान यूनियन फाइंड करना है, इट मींस कि आप दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा ऑर्डर वाइज आपके पास 1 then 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है। ये आपका ए यूनियन बी का रिजल्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, ये पूरी साइड जो है वो दोबारा नीचे लिखनी है, क्योंकि ये चीज जब आपने फाइंड कर ली तो अब आप इजीली जो है ये पूरी साइड जो है वो यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आपने दोबारा यहां पे उतार ली ए यूनियन बी फाइंड करने के बाद। अब देखिए यूनिवर्सल सेट की जगह जो है वो आप लिखेंगे इसके तमाम एलिमेंट्स जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बीच में आ जाएगा ये माइनस का साइन। अब आप ए यूनियन बी का जो है वो पूरा ब्रैकेट लिखेंगे यहां पे, इस पूरे ए यूनियन बी के ब्रैकेट की जगह ये पूरा रिजल्ट लिखेंगे आप जो के है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। अब फाइनली देखें इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है, सब कैंसिल हो गया। अब आपने देखना है इस फर्स्ट सेट में आपके पास क्या चीज बच गई, ठीक है, जो बच जाएगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो देखिए यहां पर आपके पास जो है वो 7 आ रहा है और दूसरा आ रहा है आपके पास 9, ठीक है, और ये आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर 7 और 9 आपके पास जो है वो रिजल्ट आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी आपके पास 7 और 9 आ रहा है। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पे जरूर लिखिएगा प्रूव्ड। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है, ये आपके पास जो है वो सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लूंगी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि कोई भी साइड जो है वो आप पिक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने राइट हैंड साइड पहले ले लिया था, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लिया। अब देखिए यहां पर है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपके पास, होल कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, यू में से इस पूरे ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, इस चीज का ये मतलब है।
इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो आप ये पूरा ब्रैकेट यू में से माइनस कर देंगे। ठीक है, यू आपके पास मौजूद है, अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो सबसे पहले जो है वो यहां पर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेंगे। तो सेट ए है आपके पास, एंड सेट बी है आपके पास। ठीक है, अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपने, तो देखिए यहां पर क्या चीज इंटरसेक्ट हो रही है, एक एलिमेंट टू और दूसरा एलिमेंट फोर। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आपके पास आ गया टू एंड फोर। अब आप ये पूरी साइड जो है वो दोबारा से यहां पे कॉपी कर लेंगे। बीच में आ जाएगा माइनस का साइन एंड ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट जो आपने अभी यहां पे फाइंड किया टू एंड फोर। ठीक है, ये आप यहां लिख देंगे। अब देखें टू एंड फोर जो है वो माइनस होने पर आपके पास इस फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आप यहां लिख देंगे। तो ये आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी आपने क्या चीज करनी है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने, ठीक है, सेट ए है आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव। सिमिलरली देखिए इसी तरीके से आप बी कॉम्प्लीमेंट यहां पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया, ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया। अब राइट हैंड साइड जो है वो दोबारा नीचे से आप दोबारा इसको कॉपी कर लेंगे नीचे। अब ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, बीच में आ जाएगा आपके पास यूनियन का साइन एंड बी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास वन थ्री फाइव सेवन नाइन। अब आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को यूनियन करना है तो सबसे पहले ऑर्डर वाइज आ जाएगा आपके पास वन थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, तो ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब देखिए यहां पर आप और से देख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वन थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो है वो यहाँ सिक्स से लेके टेन तक सारे नंबर हैं और वन थ्री फाइव है, यहां पर भी आप देख सकते हैं वन थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।